बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा। अब सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप इससे कवल की स्थगित करें, आप ये संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। जिस कुर्सी पर आरजेडी पहले से दावा कर रही थी, वो कुर्सी छोड़ने को बीजेपी तैयार नहीं थी। अंततो गतवा कुर्सी से इस्तीफा देकर बीजेपी नेता को जाना ही पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ। बिहार में सत्ता का खेल बड़ा दिलचस्प खेला गया। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनकर एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए। उसके बाद आरजेडी के खाते में एक और बड़ा ही अहम पद गया, लेकिन उस पद पर कहिए कि अब तक बीजेपी के नेता मौजूद थे, वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज आरजेडी और कह लीजिए कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने इतना मजबूर कर दिया कि खुद ही इस्तीफा देकर जाना पड़ा। जी हाँ, बात विधानसभा अध्यक्ष की कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष अब बदल गए हैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद विधानसभा का अध्यक्ष भी अब बदलता हुआ आपको नजर आएंगे। अभी तो फिलहाल सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है, लेकिन उससे पहले देखिए, इस्तीफा देने से कुछ चंद मिनट पहले विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा था और क्या हुआ था। दरअसल इस दौरान भी कह लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर एक बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आया। बिहार का संदेश, क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसका संदेश जो खूबसूरती हम सबों ने मिलकर प्रकट की है, ये पूरे देश और दुनिया देख रहा है। मैं 2 घंटे का बहस, जो परंपरा है, नियम है, रहेगा, सदन की कार्यवाही स्थगित करने के पूर्व अपने पद से बहुमत का सम्मान करते हुए इस्तीफा देता हूं और 2 बजे दिन में सदन पुनः प्रारंभ होगा। अब सदन स्थगित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप इससे कवल की स्थगित करें, आप ये संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। चूंकि उपाध्यक्ष हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमारी नियमावली में इसको नहीं बदल सकते। हालांकि बीजेपी नेता ने जैसे ही इस्तीफा देकर कुर्सी से उठकर जाने की कोशिश की, उसी दौरान विजय कुमार चौधरी, जो कि जदयू के नेता भी हैं, बड़े कदावर नेता हैं, नीतीश कुमार के काफी भरोसेमंद हैं, उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए एक बड़ा आरोप भी लगा दिया कि आप सदन की कार्यवाही को स्थगित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उपाध्यक्ष अभी मौजूद हैं और उनकी निगरानी में सब कुछ हो सकता है। तो ये तमाम मसलों को लेकर के आज कह लीजिए कि एक तरीके से महागठबंधन की पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर खींचतान देखने को मिली। इसी दौरान बीजेपी के बड़े कदावर नेता विजय कुमार सिन्हा को अपना विधानसभा अध्यक्ष पद से कुर्सी गंवानी पड़ गई। हालांकि ये सब कुछ प्रक्रिया में था और पहले से सब कुछ निर्धारित था। ऐसे में सवाल यह बनता है कि जब सब कुछ पहले से निर्धारित था तो विजय कुमार सिन्हा को पहले ही इस्तीफा दे देनी चाहिए थी, लेकिन पहले से लेकर अब तक तकरार बनी रही और अब आखिरी वक्त जाते जाते विजय कुमार सिन्हा ने सब कुछ संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन संभल नहीं पाया। जाते जाते सुनिए जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा था। आप ये संवैधानिक परंपरा के विरुद्ध कर रहे हैं। चूंकि उपाध्यक्ष हैं, ये संविधान में लिखा हुआ है, हमारी नियमावली में इसको नहीं बदल सकते।
ये दोबारा क्लिप हम इसीलिए सुनवा रहे हैं ताकि आप समझिए कि संवैधानिक जो ढांचा है वो किस प्रकार से है और क्या कुछ होना चाहिए था। जाते जाते बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा और पूर्व कह लीजिए अब विधानसभा के अध्यक्ष क्या कुछ नहीं कर पाए, जो विजय कुमार सिन्हा को लेकर के विजय कुमार चौधरी अब कहने के लिए खड़े हो गए। ये तमाम मसलों के बीच आरजेडी ने एक और कुर्सी बीजेपी से जबरन खाली करा लिया है और अब उस पर बीजेपी के अब नेता हटकर जबकि जा चुके हैं तो आरजेडी अपना एक नेता उस पर विराजमान करेगी, बैठाएगी। फिलहाल सब कुछ अब साफ सुथरा हो गया है। 2 बजे से दोबारा पुनः कार्यवाही विधानसभा की शुरू की जाएगी और उसके बाद आपको अध्यक्ष पद पर नए सिरे से नए विधानसभा अध्यक्ष दिखाई देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए, आगे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।